इस बीच आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसमें टॉप परफॉर्मर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं और मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज को, फोर्ज परसिस्टेंट सिस्टम, शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हैप्पीएस्ट माइंड में तो खबर भी थी, उसके चलते आज स्टॉक में अच्छा रिएक्शन है। क्या व्यू बन रहा है आपका नीरव आईटी स्टॉक्स पर? पिछले हफ्ते हमने यही आईटी में बात करी थी और मेरा व्यू भी तभी क्लियर था कि ये लास्ट हफ्ते में जो गिरावट थी इट शुड बी बॉट इनटू। आईटी में डेफिनेटली एक ट्रेंड रिवर्सल इन प्लेस लग रहा है लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में, तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। मेरे हिसाब से L&T टेक्नोलॉजीज बेस्ट बेट रहेगा क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया हुआ है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया हुए हैं और रिवर्सल इन प्लेस हो चुका है। तो यहाँ से ये जो स्टॉक है 3400 से 3500 तक अपनी रैली एक्सटेंड कर सकता है, तो यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 3050 का रखिएगा। सिमिलरली माइंड ट्री भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एक अच्छा रिवर्सल आया है और ये एक प्योर रिवर्सल प्ले है। माइंड ट्री यहाँ से लगता है 3100 के जो लेवल्स है वहाँ तक बहुत जल्दी से और जोरों से जा सकता है, तो यहाँ से माइंड ट्री भी खरीदने की राय रहेगी। नीचे में 2850 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसे खरीद कर सकते हैं। लार्ज कैप में सिमिलरली इंफोसिस बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अगेन रिवर्सल इन प्लेस है, तो मेरे हिसाब से इंफोसिस भी 1650 के जो लेवल्स है वहाँ तक बहुत जल्द जा सकता है। आईटी स्पेस पर ये राय बनती हुई दिख रही है। मिड कैप आईटी काउंटर्स जो है अच्छी मजबूती यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपसे आपके टॉप रेकमेंडेशंस जानना चाहेंगे। ज्योति लैब, उसमें बहुत समय बाद आफ्टर 2 ईयर पीरियड एक बहुत लंबा ब्रेकआउट आया है, तो ये डेफिनेटली एक स्टॉक टू वॉच आउट फॉर है। यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये 190 के आसपास चले जाएगा, तो ज्योति लैब ज़रूर बाय करिए विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 162। दूसरा जो स्टॉक है वो है गैब्रियल इंडिया। देखिए ऑटो एंसिलरीज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रिसेंट में और अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स में विथ गैब्रियल बीइंग वन। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 160 तक आ सकता है, तो 132 के स्टॉप लॉस से इसे खरीद सकते हैं। इसमें एक 130 के ऊपर का एक ब्रेकआउट आया है, 160 का टारगेट है और इसे खरीदिए। ऑलराइट नीरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल